दोस्तों इंडिया में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, सबकी अलग अलग बोली है, भाषाएं हैं और कहा जाता है उन सब में बहुत मिठास है, इवन लोगों में भी बहुत मिठास है। इसीलिए तो वर्ल्ड में इंडिया को डायबिटिक कैपिटल के तौर पर पहचाना जाता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 60 मिलियन इंडियंस डायबिटिक हैं, जिनमें बच्चे, एडल्ट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन ज्यादा दिखी गई हैं। WHO के अकॉर्डिंग भी डायबिटीज एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है, जिसमें हमारी बॉडी शुगर मॉलिक्यूल्स यानी ग्लूकोज का प्रॉपर यूज नहीं कर पाती है, जबकि ये ग्लूकोज के पार्टिकल्स हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ठीक से काम न करने की वजह से बॉडी में एनर्जी फ्लो कम हो जाता है। डायबिटीज से कंसर्न कंप्लीट जानकारी लेने के लिए हमारे प्रीवियस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हेल्दी नोनी में। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट नोनी जैन लेकर आती रहती हूँ आपके लिए अलग अलग डिजीज से कंसर्न स्पेशल इन्फॉर्मेशन। गाइस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ स्पेशल डाइट प्लान्स जो कि इंडिया के अलग अलग एरियाज या अलग अलग कहते डायरेक्शंस में बनने वाले भोजन पर बेस्ड है, ताकि डायबिटिक पेशेंट्स को ये फील ना हो कि वो कुछ खा नहीं सकते, अगर खाते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएटिंग प्रूफ हो जाता है। तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल डाइट चार्ट होना चाहिए जिनको फॉलो करते हुए वो हो सकता है कि डायबिटीज को कम ना कर सकें तो एटलीस्ट बढ़ा तो नहीं पाएंगे। एक्चुअल में हम लोग 5 डाइट चार्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें एक मास्टरपीस होगा, मतलब वो ओवरऑल एप्लीकेबल होगा। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे नॉर्थ इंडियन डायबिटीज डाइट चार्ट, उसके बाद हम लोग ईस्टर्न डाइट चार्ट सीखेंगे डायबिटीज पेशेंट्स के लिए, उसके बाद हम लोग वेस्टर्न सीखेंगे और सबसे लास्ट में हम सीखने वाले हैं साउदर्न लोगों के लिए। बट मेरे पास आज की वीडियो में एक स्पेशल ऐसा डाइट प्लान भी है जो सभी के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो आप अपने डेली के लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आप डायबिटीज से सुरक्षा पाना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तर भारतीय भोजन पर बेस्ड डायबिटीज डाइट चार्ट पर, जिसमें मैं एक दिन में लेने वाले हर तरह के खाने या इवनिंग टी या कहते हैं स्नैक्स के बारे में चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले बात करती हूँ सुबह के भोजन की। सुबह की शुरुआत नॉर्थ इंडियन डाइट चार्ट प्लान के हिसाब से नींबू के रस के साथ गर्म पानी लेकर करनी चाहिए। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो आपको खीरा और लेमन डिटॉक्स वाटर का सेवन करना चाहिए। अगर ये चीज़ें भी आपको बहुत कम पसंद है तो आपके पास एक और ऑप्शन है, जैसे कि ग्रीन टी। ग्रीन टी में शुगर बिल्कुल अवॉइड कीजिए, आप थोड़ा सा शुगर फ्री ले सकते हैं। इसके साथ आप 2 डाइजेस्टिव बिस्किट्स भी खा सकते हैं ताकि आपको हल्का हल्का फील हो। उसके बाद नाश्ते की बात करूँ तो 1 से 2 कप दलिया खाना चाहिए आपको नाश्ते में, या 2 ब्राउन ब्रेड और उबले अंडों का सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अंडे के सफ़ेद पार्ट को भी खाना है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए येलो वाली जर्दी जिसको कहा जाता है नुकसानदायक है। दोस्तों आपको लग रहा होगा ये तो नॉन वेजिटेरियन फूड हो गया, तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेजिटेरियंस के लिए भी मेरे पास बहुत कुछ है। वेजिटेरियंस लोग ले सकते हैं बिना तेल वाले 2 पराठे जिसके साथ 1 कप दही। ये भी नहीं लेना चाहते तो आप 1 गिलास दूध के साथ गेहूँ के फ्लैक्स ले सकते हैं। अब बात करें दोपहर के भोजन की, तो आप खीरा, टमाटर, गाजर और चुकंदर की सलाद में थोड़ा सा नींबू, धनिया या पुदीना पत्ता ऊपर से डालकर जरूर खाएं। आप कच्ची सब्जियां नहीं खा पाते हैं तो इन्हें उबाल कर खाएं। 1 चुटकी नमक, मिर्च और थोड़ा सा बटर मिलाकर खाएं ताकि इनका टेस्ट बेटर हो जाए। दोस्तों इसके साथ ही आपके पास और भी ऑप्शन है खाना खाने के। खाने में आप 2 रोटी के साथ राजमा, छोले या सब्जी करी ले सकते हैं। सब्जी कोई भी ले सकते हैं, गाजर, गोभी, शिमला मिर्च, बैंगन, ये सभी सब्जियां आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको बेक किया हुआ मछली का सेवन करना चाहिए। शाम को लोग नॉर्मली चाय लेना पसंद करते हैं, तो आप लोग भी बिना चीनी के ग्रीन टी का सेवन कीजिए। इसके अलावा आप 1 कटोरी भेलपूरी भी खा सकते हैं या बेक्ड स्नैक्स ले सकते हैं। कोशिश कीजिए तली हुई चीज़ें तो बिल्कुल मत लीजिए। बात करूं रात के भोजन की, तो 2 रोटी और सब्जी करी लीजिए। सब्जी में आप हल्की सब्जियां ले सकते हैं जैसे कि लौकी। अगर नहीं लेना चाहते तो बैंगन, शिमला मिर्च, इन सब सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 रोटी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन मुरब्बा या 1 कटोरी दही के साथ भी ले सकते हैं। और सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध जिसमें हल्दी भी होनी चाहिए आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा नॉर्दर्न शुगर पेशेंट डाइट चार्ट। दोस्तों अब मैं बात करने वाली हूँ ईस्टर्न इंडिया पर बेस्ड शुगर पेशेंट डाइट चार्ट के बारे में, जिसमें सबसे पहले बता रही हूँ कि सुबह सुबह आपको किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। ये नॉर्दर्न प्लान से सिमिलर है, जैसे कि नींबू के रस के साथ गर्म पानी, लेकिन आप सेब का सिरका और गर्म पानी भी ले सकते हैं। अगर ये नहीं लेना चाहते तो तरबूज और लेमन डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं।
ग्रीन टी बिना चीनी के ही लेनी है आपको, आप थोड़ा सा इसके अंदर शुगर भी मिला सकते हैं और उसके साथ दो डाइजेस्टिव बिस्किट्स ही लेने हैं। सुबह के नाश्ते में एक कटोरी चावल के दलिए के साथ दूध या केला ले लीजिए, या आप दो व्हीट ब्रेड जिसको हम लोग आटा ब्रेड भी कहते हैं, हल्का बटर लगा हुआ ले सकते हैं, साथ में दूध ले सकते हैं। अगर ये नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक उबला हुआ अंडा ले सकते हैं। वैसे अंडा और दूध साथ में मत लीजिएगा, अवॉइड किया जाता है, वो भी बताऊंगी किसी वीडियो में। दूध के साथ एक कटोरी व्हीट फ्लेक्स भी ले सकते हैं। बात करें दोपहर के भोजन से पहले, तो आपको दोपहर के भोजन से पहले एक सेब या एक संतरा या एक पपीता, अगर फल नाश्ते में शामिल ना हो तब जरूर लेना चाहिए। अगर ये नहीं लेना चाहते हैं तो रायता या मसाले वाला छाछ जरूर ले लीजिए। दोस्तों जानते हैं शुगर पेशेंट्स जो खाना खाते हैं वो उनके एनर्जी के तौर पर स्टोर होने की जगह उनके बॉडी में इंसुलिन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है, इसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और ये शुगरी कंटेंट उनके शरीर में ब्लड के साथ मिक्स होकर उन्हें नुकसान देता है। इसलिए खाने से पहले भी हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह, रायता, छाछ, इन सब चीज़ों को मैंने इसीलिए डाइट में खाने से पहले इंक्लूड कराया है। अब बात करेंगे दोपहर के भोजन की, तो दोपहर में आप एक कटोरी दाल, दो रोटी और सब्जी जैसे कि मटर, फूलगोभी, शिमला मिर्च, लौकी, बीन्स आदि का सेवन करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको मछली करी, एक कटोरी चावल, प्याज, खीरा और टमाटर का सलाद ले लेना चाहिए। मछली करी वैसे मैंने नॉन वेजिटेरियंस के लिए बोली है, बाकी चीज़ें तो वेजिटेरियंस भी खा सकते हैं। शाम के नाश्ते की बात करें तो आप मसाला राइस ले सकते हैं, साथ में ग्रीन टी ले लीजिएगा। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो ग्रीन टी के साथ दो डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले लीजिए। दोस्तों मैं कम कम ही डाइट बता रही हूँ क्योंकि शुगर पेशेंट्स के लिए एक साथ ज़्यादा खाना हानिकारक होता है। अब बात करें रात के भोजन की, तो दो रोटी और एक कटोरी दाल ले सकते हैं। नहीं लेना चाहते नॉन वेजिटेरियन है तो दो रोटी चिकन मुरब्बा ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं पसंद तो दो रोटी और सब्जी करी ले लीजिए, या दो रोटी, पनीर और मटर मसाला, इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। मतलब आप लोग अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध जरूर लीजिएगा। अब मैं बात करने वाली हूँ वेस्टर्न पीपल पर बेस्ड शुगर कंट्रोल डाइट चार्ट की। इसमें आपको बताऊंगी कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो सुबह सुबह आप शहद और वार्म वाटर डिटॉक्स ले सकते हैं। अगर ये नहीं लेना चाहते हैं तो आप संतरा या नींबू जूस इसका सेवन कीजिए। ग्रीन टी या दो डाइजेस्टिव बिस्किट्स भी आपके लिए बेटर हैं अगर आप ऊपर वाले दो ऑप्शंस चूज नहीं करते। बात करें सुबह के नाश्ते की, तो व्हीट फ्लैक्स और दूध आपके लिए बेटर है। अगर ये नहीं पसंद है, कुछ नमकीन में ही ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो पोहा और एक गिलास दूध भी बेटर है। अब दोपहर के भोजन से पहले आपको एक कटोरी दही का सेवन करना चाहिए ताकि भोजन में डाइजेशन अच्छा रहे और आप कम में भी पेट भर सकें, आप हेल्दी रहें। दोपहर के भोजन की बात करूं तो दो रोटी और सब्जी करी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बेक्ड मछली या चिकन भी ले सकते हैं। शाम के नाश्ते में आपको किसी भी टाइप के भोजन में नॉर्मली ग्रीन टी और दो डाइजेस्टिव बिस्किट्स ही लेने चाहिए। रात को यानी डिनर में या सपर में आप दो रोटी, सब्जी करी और एक कटोरी दही लीजिए। दो रोटी और सलाद के साथ मछली करी या चिकन करी ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब, और सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध जरूर लेना है। दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आपको, कोशिश कीजिए रात का भोजन दिन छिपने के समय ही आप ले लीजिएगा या सोने से लगभग 2-3 घंटे पहले लें। ये डायबिटीज के पेशेंट्स की ही बात नहीं कर रही मैं, नॉर्मली हर इंसान को कम से कम खाना सोने से 2-3 घंटे पहले ही लेना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए और शरीर में गैस या पित्त आदि की समस्याओं को पैदा ना करे। अब बात करने वाली हूँ मैं साउदर्न डाइट चार्ट प्लान के बारे में, यानी दक्षिण भारतीय भोजन पर बेस्ड डायबिटीज डाइट चार्ट के बारे में। तो दोस्तों आप लोग यानी दक्षिण भारतीय लोग साउदर्न पीपल को क्या लेना चाहिए, सुबह सुबह इन्हें ब्लैक कॉफी और उसके साथ दो डाइजेस्टिव बिस्किट्स की डाइट ले लेनी चाहिए। नहीं लेना चाहते हैं तो ग्रीन टी, शहद और नींबू ले सकते हैं। सुबह के नाश्ते की बात करूं तो नाश्ते में आप जानते हैं यार, साउथ इंडियन फूड में नॉर्मली इडली, सांभर, डोसा ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो 2 या 3 इडली चटनी और सांभर के साथ लें। सांभर हेल्दी होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा घी तेल भी नहीं होता और बहुत सारी सब्जियाँ भी आपके शरीर के लिए जो हेल्दी होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। चटनी को बनाने में नमक का इस्तेमाल कम करें क्योंकि नमक शरीर को गलाता है, नमक और चीनी दोनों ही घातक हैं शरीर के लिए। तो डायबिटीज पेशेंट्स वैसे ही भी अंदर से थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, इसलिए नमक का कम इस्तेमाल करें। ये नहीं लेना चाहते हैं तो दो डोसे चटनी और सांभर के साथ ले सकते हैं, इसमें भी नमक का कम ही प्रयोग करना है। अगर दोनों ऊपर वाले प्लान्स नहीं पसंद आए हैं
तो नीचे वाली डाइट यानी एक कटोरी उपमा चटनी के साथ खाएं। उपमा बहुत हेल्दी होता है शरीर के लिए। कोशिश कीजिए हफ्ते में एक बार अपने खाने में इसे इंक्लूड जरूर कीजिए। अब दोपहर के भोजन से पहले एक संतरा या अंगूर और एक गिलास छाछ ले सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि खाने से मिलने वाले शुगरी कंटेंट एंड कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए या कहते हैं बॉडी को इनसे डिटॉक्स रखने के लिए फ्रूट्स का सेवन ज़रूरी है, और वो भी खट्टे फल। खट्टे फल हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। दोपहर के भोजन में एक कटोरी चावल और सांभर के साथ सब्जियां लें। इसके साथ एक कटोरी दही भी ले सकते हैं। अगर ऊपर वाली डाइट नहीं लेना चाहते हैं तो एक कटोरी चावल के साथ एक कटोरी सब्जी करी ले लें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली या चिकन मुरब्बे का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ एक कटोरी दही भी साथ में रखिए। दही खाने को पचाने में मदद करता है। शाम के नाश्ते की बात करूं तो ग्रीन टी और भुने हुए चावल के साथ करी पत्ता और पिसी हुई लहसुन, यानी आपको भुने हुए चावल में ये चीज़ें इंक्लूड करनी है। इससे आपका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और शरीर के लिए हेल्दी भी है। ब्लैक टी बिना चीनी के और रिबन पकौड़ा भी आप ले सकते हैं अगर आप शाम के नाश्ते में ग्रीन टी या भुने हुए चावल वगैरह नहीं लेना चाहते हैं। तब बात करूं रात के भोजन की तो दो रोटी, मिक्स सब्जी करी और दही आपके लिए बेटर है। दोस्तों, आप वेजिटेबल क्लियर सूप का सेवन भी कर सकते हैं, या आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन और दो रोटी भी आपके लिए बेस्ट है। सोने से पहले आपको एक गिलास छाछ का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं एक ऐसे डाइट चार्ट प्लान की चर्चा करने वाली हूँ जो आपके पूरे दिन के शेड्यूल को फिक्स कर देगा कि आपको किस टाइम क्या लेना चाहिए। ये डिफरेंस भी खत्म होता है कि आप इंडिया के किस क्षेत्र में रहते हैं। आप ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, नॉर्दर्न है, साउदर्न है, कहीं के भी हो सकते हैं आप, पर ये डाइट चार्ट प्लान सबके ऊपर एप्लीकेबल है। इसमें सुबह के टाइम से ही रात के सोने तक आपका फिक्स शेड्यूल है कि आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, क्योंकि डायबिटीज हम सभी को पता है भारत में 5 भारतीयों में से हर 2 को ये गंभीर समस्या है। और डायबिटीज खुद में एक भयानक बीमारी नहीं है, बल्कि अपने बाद में धीरे धीरे अलग अलग बीमारियों को न्योता देकर शरीर के अलग अलग पार्ट्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए मैं एक डाइट चार्ट प्लान बताने जा रही हूं जिसमें हम लोग सुबह के, दोपहर के, शाम के और रात के खाने की बात करेंगे। नॉर्मली कहा जाता है खाना 3 टाइम लेना चाहिए, लेकिन इवनिंग में टी टाइम में आपको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का जरूर लेना चाहिए। वैसे भी यार कहते हैं हर 2 घंटे में हल्की फुल्की डाइट कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये भोजन हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो सबसे पहले बात करूंगी सुबह की सारणी की, यानी सुबह के डाइट चार्ट की। तो सुबह 6 बजे एक गिलास पानी में आधा चम्मच मेथी पाउडर डालकर पीना है डायबिटीज पेशेंट को, क्योंकि दोस्तों मेथी बहुत कड़वी होती है और ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है, शुगरी कंटेंट को शरीर से निकालती है। बात करें सुबह 7 बजे की तो तब आप 1 कप शुगर फ्री चाय ले सकते हैं। इसके साथ में 1-2 हल्के शक्कर वाले बिस्किट्स ले सकते हैं। हल्के शक्कर वाले बिस्किट्स में आप मैरी लाइट, मैरी गोल्ड या क्रैकजैक जैसे बिस्किट्स का सेवन कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपके लिए डाइजेस्टिव बिस्किट्स बेस्ट हैं। नाश्ते में ब्रेकफास्ट के साथ आपको आधी कटोरी अंकुरित अनाज और 1 गिलास बिना क्रीम वाला दूध लेना है। कोशिश कीजिएगा क्रीम हमेशा ही अवॉइड करें, क्योंकि इसमें फैटी कंटेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है। सुबह 10 बजे के बाद एक छोटा सा फल या नींबू पानी लीजिए ताकि शरीर टाइमली डिटॉक्सिफाई होता रहे। अब दोपहर 1 बजे लंच का चार्ट बताती हूँ आपको। लंच में आप मिक्स आटे की 2 रोटी, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही, आधी कटोरी सोया या पनीर की सब्जी, आधी कटोरी हरी सब्जी और साथ में 1 प्लेट सलाद का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये डाइट चार्ट प्लान वेजिटेरियन पीपल के लिए है। वैसे भी नॉन वेजिटेरियन आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं और नॉन वेज का जमाना बढ़ रहा है, तो वेजिटेरियन एक कश्मकश में रह जाते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो दोपहर 1 बजे लंच के चार्ट के बारे में मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ। लंच में आप मिक्स आटे की 2 रोटी, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही, आधी कटोरी सोया या पनीर की सब्जी, आधी कटोरी हरी सब्जी और साथ में 1 प्लेट सलाद जरूर खाएं। ये आपके लिए हेल्दी होगी और आपके शुगर को कंट्रोल करेगी। बात करें शाम को 4 से 6 बजे के चार्ट के बारे में, तो इस टाइम आप बिना चीनी के यानी शुगर फ्री के साथ 1 कप चाय या बिना चीनी वाले बिस्किट्स ले सकते हैं। ये नहीं लेना चाहते हैं तो 1 टोस्ट या 1 सेब ले लीजिए। 6 बजे आपको 1 कप सूप पीना है। सूप शरीर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि फ्रूट एंड वेजिटेबल के डायरेक्ट कंटेंट्स हमारे शरीर में डालता है। बात करें रात के खाने की या डिनर डाइट चार्ट की, तो डिनर में आपको 2 रोटियां, 1 कटोरी चावल, कोशिश कीजिएगा ब्राउन राइस हफ्ते में 2 बार लें, और 1 कटोरी दाल, आधी कटोरी हरी सब्जी और 1 प्लेट सलाद,
बिना क्रीम और चीनी के एक गिलास दूध ले सकते हैं। ऐसा करने से अचानक रात में शुगर कम होने का खतरा नहीं रहता। इसीलिए मैंने पहले की डाइट चार्ट प्लान्स में भी बताया है कि शुगर पेशेंट्स को रात को एक गिलास बिना चीनी का दूध जरूर लेना चाहिए। इससे बॉडी में ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम ज़्यादा होना या शुगरी कंटेंट कम ज़्यादा होने जैसी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, कैसे लगे हमारे डाइट प्लान्स हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि डाइट प्लान्स की नीड क्या है। डाइट चार्ट्स को मैंने क्यों बताया है, क्योंकि डायबिटीज़ के डाइट चार्ट में हम ऐसे ईटेबल्स को चूज़ करते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक ना हो। इन ईटेबल्स में ऐसे कंटेंट्स होते हैं जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। इसके साथ ये बहुत हेल्दी होते हैं, शरीर को सही तरीके से चलाने में हमारी हेल्प करते हैं। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में और साथ में ही हमारे शरीर में फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ने नहीं देते हैं। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि डायबिटिक पेशेंट्स को अपने शरीर को कंट्रोल में यानी संतुलन में रखना बहुत ज़रूरी है। वजन को बहुत ज़्यादा गेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स और शुगरी पेशेंट्स को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। वो बार बार कुछ ना कुछ खाने का सोचते हैं या उनका मन करता है, पर इस आदत को कंट्रोल करने के लिए उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें खाने में इंक्लूड करनी है जिनसे उनका जल्दी पेट भी भर जाए और जो उनके शरीर में ज़्यादा फैटी और कार्बोहाइड्रेट या शुगरी कंटेंट को ना बढ़ाएं। दूसरी चीज़, डायबिटिक पेशेंट्स को अपने दिन की शुरुआत ड्रिंक्स के साथ करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इससे शरीर के जितने भी वेस्ट कंटेंट्स होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं और डाइजेशन पावर भी मजबूत होती है। साथ ही ये लोग कब्ज की समस्या से भी ग्रस्त होते हैं ज़्यादातर, तो इस समस्या से भी उन्हें राहत मिल सकती है। इनको विटामिन्स एंड मिनरल्स से भरपूर डाइट लेनी चाहिए, यानी खाने में ऐसे कंटेंट्स को शामिल करना चाहिए। रात को सोने से पहले दूध या छाछ पीने से भी इनको डाइजेशन में बहुत हेल्प मिलती है और बहुत अच्छी नींद भी आती है। वेट भी इन चीज़ों से कंट्रोल रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड।